देश भर में कोरोना का कहर है, मगर इसके बावजूद मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आमतौर पर लोगों में कोरोना को लेकर डर पैदा हुआ है, लेकिन कोटा में शीतला माता मंदिर में अल सुबह से ही महिलाओं की भीड़ जुटी रही। लंबी कतार में हाथों में थाली और मुंह पर मास्क लगाकर खड़ी महिलाएं शीतला माता मंदिर गुमानपुरा न्यू कॉलोनी पहुंची है, जहां माता को बासौड़ा और ठंडे भोजन का भोग लगाया गया। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा अर्चना करने पहुंची। होली के 8 दिन बाद आने वाली अष्टमी को लेकर शहर में मंदिर समितियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। जो भी लेडीज है या जेंट्स है, बच्चे हैं, सबको लगाना चाहिए ये मास्क, क्योंकि ये बीमारी अभी सब जगह चल रही है, इसलिए मास्क लगाना जरूरी है। ये कोरोना वायरस के लिए हमने ये मास्क लगा रखा है। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी, चाहे मार्केट जाए, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं भी जाए, लेकिन ये मास्क लगाना जरूरी है। ये नहीं लगाओगे तो आपके जैसे आप सुरक्षित नहीं हो, अगर आप सुरक्षित नहीं हो तो आपके घर वाले भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए सभी को मास्क लगाना जरूरी है। मंदिर में दर्शन के लिए आ रही भीड़ को देखकर कोरोना वायरस का खास असर नहीं दिखाई दिया। उनकी भक्ति यूं ही परवान पर है, लेकिन कोरोना वायरस को लेकर मंदिर समिति सतर्क हो गई है और एहतियात बरत रही है। कई महिलाएं मंदिर में मास्क लगाकर पहुंची तो नमस्ते करते नजर आई। शीतलाष्टमी का बहुत महत्व है। आज के दिन होली के 7 दिन बाद इसकी पूजा करते हैं। सभी बहुत महिलाएं आती हैं, पूजा करते हैं, माता रानी से विनती करते हैं सबको खुशहाल रखे। पूड़ियाँ बनती हैं, मीठे चावल बनते हैं, ऐसे ही माता की पूजा होती है, कड़ी बनती है। होली की भी पूजा करेंगे जहाँ हमने होली की पूजा करी थी पहले। शहर के उन मंदिरों की तस्वीर जहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन बीते दिनों कोरोना के प्रकोप ने इस तरह आने से उन्हें मजबूर कर दिया। यानी कोई मास्क पहनकर पहुंच रहा है तो कोई नमस्ते कर रहा है। हालांकि कोटा में अभी कोई ऐसा मरीज सामने नहीं आया, लेकिन पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी रहने और इसे महामारी फैलने की आशंका के मद्देनजर पूरे तरीके से एहतियात बरती जा रही है। तेजी से फैलते इस वायरस को लेकर धार्मिक संस्थाएं भी सहमी हुई है, कई आयोजन रद्द करवा दिए गए हैं। साथ ही गणगौर के आयोजन पर सरकार के प्रतिबंध के बाद संस्थाओं ने भी ठोस कदम उठाए हैं। गुमानपुरा शीतला माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि मंदिर में पुजारी मास्क लगाकर ही पूजा करेंगे, साथ ही श्रद्धालुओं को सैनिटाइजर का उपयोग करने के साथ ही मंदिर समिति की ओर से भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। आज शीतला अष्टमी का पावन पर्व है, ये एक साल में एक बार आता है, ये प्रसिद्ध हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसमें शीतला जी की जो कल भोजन बनाया जाता है एक दिन पहले, उसके बाद दूसरे दिन भोग लगाया जाता है, ठंडा और चावल जैसे पुए पकौड़ी जो बनाए जाते हैं उनको भोग लगाया जाता है। विशेष तौर से ये चेचक जो बीमारी होती है, जो बड़े पुंसी होते हैं उसे, वो वाली बीमारी को ठीक करने वाली माता जी है। और इनका वाहन जो गधा है, झाड़ू आती रहता है इनके। और अभी यहाँ पर जो लेडीज आई है कोरोना वायरस की वजह से मास्क लगा के भी आई है, वो से अभी जो वायरल चल रहा है बहुत तगड़ा वाला, इसमें काफ़ी परेशानी आ रही है सभी को, तो मास्क लगा के भी आई है। शीतला माता की पूजा के मद्देनजर माता को परिसर में विराजमान किया गया। एकाएक भीड़ न पड़े इसको लेकर कतार में पूजा करवाई गई। कई महिलाएं मास्क पहनकर आई हैं। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता से कामना की गई कि जल्द इस वायरस को खत्म करे। एसटीएन टुडे के लिए हेमंत जोशी की रिपोर्ट।